अपन संस्कृति अपन पछाण बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव की हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कोहरा ही कोहरा हो रखा है बहुत ज़्यादा। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज पूजा थी पर कैंसिल हो गई है, पंडित जी जो है नहीं आ पाए किसी रीज़न की वजह से। तो कल है अब पूजा, तो सुबह सुबह जो है पंकज ने नहा लिया था, पूजा कर गया, अब उसको ठंड लग रखी है अंदर ही। हम तो बच गए भाई साहब, पर नहाएंगे, दिन में नहाऊंगी मैं, पर नहाऊंगी ज़रूर। चांदनी अभी जो है उठ गई है चांदनी। तो ये 10 बज चुके हैं, 10:30-11 होने वाले हैं, और देखो कोहरा कितना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। धूप सूरज आज तो रखा है बट ऐसा दिख रहा है, ये देखो। हाँ मैंने सोचा था आज कपड़े वगैरह धोएंगे, वीडियो वगैरह बनाएंगे थोड़ी, पर भयंकर ही हो रखा है भाई साहब। खेत नहीं दिख रहे आज तो, कितना ज़्यादा कोहरा हो रखा है। बर्फ़ पड़ने वाली है मुनसेरी साइड, पड़ गई होगी तभी यहाँ ऐसा हो रहा है, ऊपर से बर्फ़ दिखेगी अब ऊपर जाएंगे तो। तगड़ी देख रहे हो आप कितनी ठंड है यहाँ। और इन भाई साहब ने सुबह ही नहा लिया था, मंदिर जाना था पर कैंसिल हो गया मंदिर जाना। तो अब ये देखो और ये देखो कितने कपड़े पहने भैया आपने। थोड़ी ये वाली जैकेट कह रही थी नई जगह है, मैंने कहा बहुत जगह है। ये वाली भी कह रही थी नई जगह, मैंने कहा बहुत जगह है। बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है करके इतने सारे पहन लिए। अबे यार अब नीचे का पाँव पाँव में देखो, दिख रहे हैं पाँव नीचे नीचे में क्या पहना है नीचे। मैं ऐसे नीचे नहीं देख पा रहा, पता नहीं क्या करना। ऐसे चल मुंशियारी, अब मुंशियारी घूमने जा रहे हैं। मैं तो बर्फ में कूद जाऊंगा। छोटा पेंगुइन, छोटा पेंगुइन है आज इसका नाम। कितने कपड़े पहने पहले दिखा दो। पहले कितने वो तो देखो आप एक बार। तो दगड़ियों थोड़ी थोड़ी धूप जो है आ चुकी है, हमने खा दिया है भात और अब बकरियां जाएंगी ग्वाला, बकरी चरने है भाभी, ये मम्मी। सब ठंड से लकड़ी रही है चंदी। ये मैं हूँ, ये युविका डॉन कहाँ भाग दिया है। आज जो है मेरी यूट्यूब की जो पेमेंट है वो आती है वैसे तो, पर आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी पेमेंट आई है करके। तो अभी आज मैं पंकज और मनीष को जो है भेजूंगी पेमेंट लेने के लिए थल। तो धूप आ चुकी है और अब पंकज जो है सैलरी लेने जाएगा, इनकम लेने जाएगा मेरी यूट्यूब की। यूट्यूब की सैलरी लेके आऊंगा, सैलरी लेके लेने जा रहा है ये और मनीष जा रहे हैं। तो ये शाम को आएंगे, अकेले नहीं ला पाएंगे, बहुत ज़्यादा आई है तो मनीष को भी ले जा रहा है। जल्दी आना, हाँ खाने को कुछ लाना, हाँ चिज्जी चिज्जी लाना। हाँ अब हम क्या करें क्या करें, हो रही है मेरे हाथ में खुजली लग रही है, पैसे आने वाले हैं। कितने पैसे आएंगे क्या लगता है तेरे को? 12 चुपा की सैलरी दिखाऊंगी ना मैं आपको, दंग रह जाओगे, कहा दिखते रह जाओगे आप तो।
पैसा पैसा पैसा, उसमें से 50% मेरा होगा। ओहो पर का जूजो देखो ना गड़ियो, उस टाइम में देखना ऐसे पूरे नोट थमाएगी मेरे को अपना मेरे हाथों में देखी देखना लिखी ले यार तू ये रख इनको बोलेगी। तो हम पार्टी करेंगे, 2 लाख सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं मेरे, थोड़े से बचे हैं, 700 या 600 बचे हैं। तो बताओ मैंने क्या प्लान कर रहे थे घड़ी, इसने प्लानिंग कर रही है 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने पे। मैं भानु के आँख में ये वाला पट्टा ऐसे लगा के, इसको बुच्छ लगा के ऊपर ले जाएंगे धूर में। हाँ। फिर वहाँ पे गुब्बारे उबारे लगाएंगे। हाँ। फिर हम केक काटेंगे, फिर इसको नहीं खिलाएंगे, फिर खुद ही खाएंगे। मैंने भी प्लानिंग मैंने सुन लिया दगड़ियो, फिर बोलते हैं ये कि मेरी मतलब मैं इसकी बेइज्जती करती हूँ। फिर दीदी वहाँ से मेरे को बोलती है कि बेइज्जती मत करा कर उसकी। नहीं नहीं मैं बताऊँ मैं बताऊँ, एक दो दिन ऐसे ही थे हम, फिर हमने कहा यार ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। दीदी ने मना करा था कि एक दूसरे की बेइज्जती मत और करा करो। मैं बताऊं क्या कहा था कहते दीदी तो मध्य प्रदेश से यहाँ थोड़ी आ जाएगी मारने के लिए यहाँ कुछ नहीं कर सकती दीदी, फोन में मैंने ऐसा नहीं बोला। रिकॉर्डिंग कर रही मैंने, दीदी को भेजूंगी। अरे यार ललका दीदी बोल रही थी कि एक दूसरे की बेइज्जती मत करा करो ब्लॉग्स में, अच्छी बात नहीं होती है। फिर हमने 2-3 दिन थाया बहुत थाया हमने, फिर हमसे रहा नहीं गया। फिर हम आ गए अपनी लाइन में, वो तो मध्य प्रदेश है वहां से काम मारेगी हमको। हमने नहीं सोचा, भानु ने बोला ऐसा, खुद भी बोलती थी। तो दगड़ियो ऐसा हुआ फिर। हाँ। मैं बताऊं हाथ में सुबह से खुजली लग रही है, लेफ्ट हैंड में जब खुजली लगती है पैसा आता है बोलते हैं, सच में हो रहा है मेरे साथ ऐसा। दगड़ियो मेरे तो इतनी खुजली होती है, पैसे तो नहीं पिटोर जाती हूँ खुद की बेइज्जती खुद ही कर रही हूँ मैं। हाँ फिर मेरे को बोलते हैं लोग बेइज्जती मत, मैं नहीं पिटती हूँ, मेरे को क्या ही बोलूँ, इतनी सुंदर लड़की कभी पिट सकती है। दगड़ियो भानु लगा रही झाड़ू, ऐसे लगाते हैं झाड़ू, पानी छिड़कते, कल भी बताया था ना हमने। समझते नहीं है ना फिर दोबारा। तो दगड़ियो ये है हमारी भूतकाल लड़की, मैं सच बता रही हूँ यार मेरे को घर आ कितना आराम आता है ना काम नहीं करना पड़ता है क्योंकि सारा काम भानु कर देती है, मम्मी लोग तो करते ही करते हैं, मेरे तो आराम ही हो जाते हैं। दगड़ियो धूल आ रही है मेरे मुख में, बस तो जाओ दे मेरे, बाय। तो दगड़ियो हाँ बोलो, कर दिया हमने काम धाम, अब करते हैं वीडियो एडिट, फिर जाएंगे नेट चलाने के लिए, तब तो पंकज लोग भी आ जाएंगे पैसे लेके। हाँ। आप सोच गेस करो कितने पैसे होंगे मेरे यूट्यूब की इनकम, मैं बताऊँ? बता बताऊँ? बता बता, अब जितने भी होंगे वो मेरे नाम के होंगे इतना मेरे को पता है। इसको मैं, ये तो एक लॉलीपॉप वो क्या बोलते हैं टॉफी से भी खुश हो जाती है, विक्स की गोली खाती है। मेरे को गुस्सा कभी करा है? मैंने तेरे पे नहीं करा गुस्सा, तो मेरे पे कोई गुस्सा नहीं करता, इतनी सुंदर लड़की पे कोई गुस्सा करेगा क्या दगड़ी हो? अब फिर ललता बोलेगी उसकी बेइज्जती क्यों करती है, देख रही है तू अब इसके ड्रामे। ललता जी मैं सुंदर नहीं हूँ बताओ, ये लोग मुझे कल्लू कल्लू बोलते रहते हैं। तो दगड़ियो मैं एडिट करते करते सो गई थी, टोल आ गई थी मेरे को नींद की, और मेरा तो काम सोने का ही है। मैं इतने दिन से आज सोई दिन में, और फिर चांदी ने मेरे को उठा लिया कि व्लॉग डालने दी चल रही है, फिर ये मेरे को घुड़ी घुड़ी के लेके आ रही है, और ये मेरे ऊपर इतना जोर लगा रही है, वो नीचे गिरते हैं हम कहीं सच्ची में गिर रही तो। अब मैं नेट चलाने जा रही हूँ, पंकज और मनीष पैसे लेके आए, फिर वो चले गए पता नहीं कहाँ फोटो खिंचवाने। हाँ। फोटो शूट ऐसे नेट चलाने गए, कहाँ गए पता नहीं, अभी नेट चला के घर जाएंगे फिर देखेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे। हम आपको बाद में मिलते हैं। हाँ फिर अभी
तो दगड़ियो अब हम नेट चला के जो है घर की तरफ जा रहे हैं। अन एयरपोर्ट हो गया यहाँ को, अब घर बहुत अंधेरा हो गया, अब हमें फ्लैश लाइट जला के जाना पड़ेगा। बड़ी लेट चलता है हमारा नेट, क्या करें। चलो यार फिर अब मिलते हैं। अब तो आए गए होंगे यार मेरे पैसे घर में ना, सुबह से वेट कर रहे हैं। सारे पैसे मेरे नाम दे। ए मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हम आज के हैं घर और अब टक टक के आ रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं तो हमारे पास के पैसे कहाँ हैं? पैसे तिजोरी में रख दिए गए हैं। चाबी कहाँ हैं? बहुत मेहनत से उठा के लाए हैं, तिजोरी खुली है। बहुत रिस्क था उसमें। बहुत रिस्क था, मैंने ना एटीएम दिया था अपना, एक बार में निकल गए थे एटीएम से। चाबी तो नहीं लगाई ना? ना चाबी नहीं लगाई। अच्छा ठीक, ड्यूटी देने बैठे थे। है नहीं है, उल्लू तो नहीं बना रहे हमें बैग जो इसमें तो नहीं है। अरे ये रहा बैग, ये कितने भारी है। भारी तो है ब्रो। बंद कर भाई। ओ अब हम निकाल रहे अपना खजाना। ओहो रहा नहीं जाता इसमें क्या? देख देख इसमें क्या है। अबे हार्ड डिस्क वगैरह। ओ मिल गया भाई। बल्ले बल्ले बता कितने होंगे? जितने भी होंगे मेरे ही होंगे, मेरे को पता है। कितना परसेंट लेगी? पूरा परसेंट लूंगी। पूरा नहीं भाई, देख ले। पूरा लूंगी क्योंकि मुझे पता है लास्ट में मेरे ही नाम होने वाले वो पैसे। तो दगड़ियो फाइनली मेरे यूट्यूब पेमेंट में आपको दिखाना चाहती हूँ। धक 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 इसमें आइए, मेरी चेक है, पर्स देखिए आप। चेक नहीं है, नोट है। ये देखो दगड़ी, ये सारे मेरे नाम होंगे। दगड़े पूरे 1 लाख रुपए आई है मेरी इस बार यूट्यूब की पेमेंट। गिनते गिनते हालत खराब होती है आपका। बहुत सारे हैं। 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह आई है दगड़ियो, दिख तमर बला ली उनमी। इदू चौड़ा हाथ है मैं। इदू अगर सच्ची में होता दगड़ी मैं सच बदूनी तमी ने। ही किस किस को चाहिए थे पैसे? हैं वो बाहर वाले, तुम्हें भी चाहिए थे क्या? उन्होंने ले लिए, वैसे फिर भी इतने पैसे बचे हैं हमारे पास, देख रहे हो आप। पैसा बहुत है दगड़ी, पैसा बहुत है। और ये सब आप लोगों की कृपा है, आप मेरी वीडियोस देखते हो दिगाला। दगड़ियो तमर बला ली हुनी। इदू इदू नकली नोट मिला तक न चाला। यूट्यूबर्स सब तुम्हारी वजह से है। ये यूट्यूबर्स असली दिखाते हैं, आज मैंने ये दिखा दिया नकली। हमारे लिए ये भी असली है। हाँ हमारे लिए ये भी असली है। अब क्या करें, यूज कर दो तो इतने आ भी जाएंगे मेरे। कर दियो ला दिख। देखो एक हाथ में 1 लाख रुपए, देखो ये यूट्यूब पे देख रहे हो पैसा। ये भाना चपाल का मेहनत की कमाई। मैं शुक्रगुजार हूँ सबका। खाल लिया सुन, ये खाल रही है। तो दगड़ियों देखा आपने हमारे यूट्यूब पेमेंट, वैसे तो आती है यूट्यूब पेमेंट, मैं आपको बताना चाहूंगी। नहीं करूंगी कट, ये डालूंगी मैं अब। कैसे गया मैं माइक कौन हो गया भाई? ये है ना मरी, जब ठंड ना हो ना बॉस। खा रात भर खा बे। बंगाली वहां पे दवाई ले आओ, 3 दिन में ठीक आई है। अभी मैंने फिर माल्टा खाया था तो ना। तो दगड़ियों में कहाँ थी, यूट्यूब पेमेंट। यूट्यूब सच में जो है पेमेंट देता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, इसको भी नहीं पता था। पता था यार। इतना तो पता ही है पैसा मिलता है, ऐड आते हैं उसमें। यार ऐड स्किप मत करा करो, हाँ उसी के पैसे मिलते हैं। तो मैं कहाँ थी कि मेरे को मतलब वो यही पे तो थी मैं। तो दगड़ियो YouTube जो है पैसे देता है, 10 तारीख को वो रिलीज करता है अपने पैसे,
मतलब वहाँ से डॉलर में आते हैं और डॉलर से फिर रुपए होने में 21 तारीख तक डेट लग जाती है, फिर 21 से 27 के बीच में हमारे जो है इंडिया वाले अकाउंट में जो है पैसे आ जाते हैं हर महीने। और डॉलर 100 डॉलर कंप्लीट करने पड़ते हैं, 100 डॉलर कंप्लीट होने के बाद ही जो है यूट्यूब पैसे रिलीज़ करता है रुपए में। और हम बता नहीं सकते कि हमें कितनी सैलरी मिलती है क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ होता है, मना करता है यूट्यूब। बतला गई थोड़ा सा दगड़ियों, मैं इतना सीरियस कभी बोल नहीं पाती हूँ, ये भी सीरियस होकर सुन रही थी तो बताना मना है, पर फिर इतना तो हम बता सकते हैं। हाँ आ जाती है पेमेंट, ठीक ठाक आ जाती है अभी तो स्टार्टिंग के हिसाब से। अगर आप लोग और वीडियोस को जो है मेरे फैलाओगे तो और अच्छी पेमेंट आ जाएगी, क्या पता ये इतने पैसे असली में आ जाए मेरे। सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हाँ देखते ही नहीं हो तुम लोग। हाँ एक साथ करा, कोई हमको याद कर रहा है। हाँ मम्मी पापा तो नहीं कर रहे ऊपर, ऐसी होता रहता है जब जब हम कोई साथ में वैसे बोलते हैं ना तो हमको ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे हमने कोई अपने साथ में कराता है ऐसे बोलते हैं कि दगड़े आप हमको याद कर रहा होगा, इसकी फसा कभी पूरी नहीं होगी यार, ये चूना लग गया यार। अभी ऊपर ऊपर से हम आ रहे थे नेट चला के, गुरकी गुरकी गए यार। हम जब ऐसे वीडियो बनाते हैं ना इतनी लंबी लंबी वीडियो बन जाती है, मेरे को कट कर करते करते मैं परेशान हो जाती हूँ। बोलते ही इतना है तो दगड़ियो अभी हम वहां गिरे, मेरा पैर में नस चढ़ गया, इतना फुटुक जैसा और रखा है मेरे नहीं हुआ गिरी मैं, और मेरा पैर फिसला था और चोट इसको लग गई। हाँ ही सच्ची में इतना वो रखा है यहाँ पे, क्या बोलते। और मैं गिरती हूँ, मैं मतलब चलते फिरते मैं गिरती रहती हूँ, मेरे को बहुत चोट लगती है पर मेरे मुँह से एक आवाज भी नहीं निकलती, मैं गिरती हूँ उठती हूँ आ जाती हूँ। और भाई गिरती मैं हूँ आवाज ये ओ भानु भानु लगी तो नहीं, उठाओ उठाओ या आगे चली जाती मैं वहाँ खड़े खड़े ऐसा करके देखी, उठाओ लगी तो नहीं है, आ क्यों नहीं रही है तू बोलती है उसके बाद नहीं क्या पता टेंशन Lots of tension. मैं गिरती हूँ मेरे मुँह से उजिया भी नहीं निकलता, इसके मुँह से इतनी तेज निकलता है। लगी लगी उठाओ लगी। अब भाना चुफाल के ब्लॉग देखो। मैंने इसको सिखाया नहीं है, ये खुद ही बोल रही है। मैंने इसको कुछ नहीं सिखाया दगड़ियो। मैं खुद से बोल रही हूँ। हाँ। मैं लिख के देती हूँ। मैं लिख हाथ में गया, मैं लिख के देती हूँ ये मैंने खुद से बोला है, मतलब बोलती मैं सब खुद से हूँ यार। 5 मिनट चला गया ये वाला भी। 6 मिनट जा रहा है वो देख। बाय दगड़ियो, खाना खाएंगे अभी, डर करेंगे सो जाएंगे। हाँ सो जाएंगे। ओके बाय, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या पता एक दिन असली में इतने 1 महीने की सैलरी मिल जाए मेरे को। दगड़ियो कर देना यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉरवर्ड और शेयर। ओके बाय। तो दगड़ियो अब हम इन पैसों को जो है गड्डी बनानी है मैं दोबारा वापस से, वरना हो जाएंगे। भाभी ने बोला गड्डी बना के वैसे ही रख दो यूवी के पर्स में। ऐसा ही होता है हमारे साथ। अब हम इनको रखते हैं। इस आदमी जैसे क्या लिखा है इसमें, अरे कुछ और ही लिखा है यार बिल्कुल असली। ये देखो।